वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो मैं हूं वंदा। तो गाइस आप लोगों की ढेर सारी मुझे कमेंट रिसीव हो रही थी कि मैम दिवाली और करवा चौथ में अभी थोड़ा ही टाइम रह गया है और आपने फेस के लिए, फेस को ग्लोइंग करने के लिए, शाइनी करने के लिए फेशियल भी बता दिया और फेस पैक भी बता दिया। अब बारी आती है हेयर पैक की। तो प्लीज अच्छा वाला कोई हमें हेयर स्पा बता दीजिए जिससे हम बालों को सिल्की कर सके, स्मूथ कर सके और एकदम चमकदार भी कर सके। हमें पार्लर में नहीं जाना है क्योंकि जब भी हम पार्लर में जाते हैं गाइस दिवाली के टाइम में तो ऊपर से ढेर सारी वहां पर लाइन भी होती है और जो प्राइस होती है वो भी डबल कर देते हैं और ऊपर से उनका जो टाइमिंग है उसी हिसाब से हमें जाना पड़ता है और ऊपर से काफ़ी सारी केमिकल भरी ट्रीटमेंट होती है। तो कई लोगों को केमिकल वाली ट्रीटमेंट सूट नहीं करती है। या तो एक बार आप कोई भी केराटिन वाली या तो स्मूथनिंग या तो जो स्ट्रेटनिंग वाली ये सारी जो ट्रीटमेंट है वो करवा ले तो उसके बाद आपकी बालों की बैंड बच जाती है, बाल झड़ने लगते हैं। तो आज मैं आपको एक सॉल्यूशन लाई हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल तरीके से हेयर स्पा करना बताऊंगी, सारी घर की चीजों से ही बताऊंगी। हार्डली यहाँ पर आपके 5 से 10 रुपए ही लगेंगे। सारी चीजें हम घर की ही इस्तेमाल करेंगे तो आपको पार्लर भी नहीं जाना पड़ेगा। ऊपर से आपको जब भी टाइम मिलता है आप आपके हिसाब से कर सकते हो और खर्चा बोले तो खर्चा भी काफी कम है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और कोई भी केमिकल यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हो, ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। आई नो गाइस कि आप में से ढेर सारे मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर मुझे पूछेंगे कि दीदी आज आपने जो कुर्ती पहनी है ब्लैक कलर की वो आपने कहाँ से ली है, प्लीज इसकी हमें लिंक दे दीजिए। तो गाइस आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसी वीक में इसका वीडियो लाने वाली हूँ, तो स्टे कनेक्टेड गाइस। और हाँ, आज मैंने जो लिपस्टिक यहाँ पर अप्लाई की है वो है पर्पल की अल्ट्रा HD मैट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 20 माय फर्स्ट गॉसिप। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ गाइस, आपको पता होगा कि 3 से 4 दिन पहले मैंने पर्पल का हॉल किया था, उसमें मैंने आपको स्टे क्विल्टी के अलग अलग काजल दिखाई थी 6 कलर की। अगर आपको परचेज करनी है तो मैं छोटा सा रिव्यू इन द एंड या तो मिडल में एड कर दूंगी। तो अगर आप परचेज करने में इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो क्योंकि आज इसकी प्राइस काफी कम है। तो अगर आपको लेना है तो वो आप देखना या तो आप डायरेक्टली उसको स्किप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर हम जो हेयर स्पा करने वाले हैं उसके लिए आपको यहाँ पर चावल चाहिए। चावल को हमें जैसे नॉर्मली हम पकाते हैं उसी तरीके से आपको पकाना है। तो आप कोई भी ब्रांड के किसी भी प्रकार के चावल ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून जितने चावल ले रही हूँ और चावल को आपको अच्छी तरीके से 2-3 पानी से धो लेना है और उसके बाद ही आपको पकाना है जैसे हम नॉर्मली पकाते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने चावल को धो लिया है। अब मैं यहाँ पर पीने का जो क्लीन वाटर है उसको ऐड करके इसे पकाऊंगी। आप चाहो तो जब आप घर में चावल बना रहे हो उसी टाइम भी ये कर सकते हो क्योंकि हमें यहाँ पर चावल का पानी चाहिए। तो आप जब घर पर चावल बना रहे हो तो आप चावल का पानी निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे जो चावल है वो पक गए हैं। अब इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है चावल का पानी उसे हमें निकाल लेना है, उसको ही हम यहाँ पर हेयर स्पा में यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर छन्नी की मदद से छान लूँगी जिससे चावल का पानी इससे अलग हो जाए। तो यहाँ पर मैंने करीब 3 से 4 टेबल स्पून जितना चावल का पानी ले लिया है। अब मैं इसे ऐसे ही रूम टेम्परेचर में आने के लिए छोड़ दूंगी करीब 10 से 15 मिनट के लिए क्योंकि अभी ये गर्म है तो हम यूज़ नहीं करेंगे। तो अब हमारा चावल का पानी यहाँ पर 10-15 मिनट के बाद अच्छे से यहाँ पर रूम टेम्परेचर में आ गया है, ठंडा हो गया है। अब बाकी की जो यहाँ पर चीज़ें वो ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको 1 टेबल स्पून जितना दही लेना है। मैंने यहाँ पर गाढ़ा दही लिया है और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मैम पतला दही लेने से हमारी जो मांस अच्छे से नहीं बनता है, तो आपका जो दही है उसमें से पानी निकाल लीजिए। तो हमें 1 टेबल स्पून जितना इसमें दही डालना है, प्लेन दही, नॉर्मल सिंपल वाला दही हमें इसमें डालना है। इसके बाद हमें यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल डालना है। ये सारी जो चीज़ें हम सबके घर में इजीली अवेलेबल होती ही है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि हेयर स्पा 10 रुपये से कम खर्चे में यहाँ पर होगा। अब आपको इसमें डालनी है 1 विटामिन E की कैप्सूल। आप मेडिकल में जाके विटामिन E की कैप्सूल सिंगल भी ले सकते हो, आपको 2 या 3 रुपये की मिल जाएगी। या तो आप पूरा ये जो 10 टेबलेट का पूरा पैकेट है वो भी ले सकते हो, आपको 26 या 27 रुपये की आराम से मिल जाएगी। विटामिन E से बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी भी होती है और बाल शाइनी भी होते हैं। इसके बाद आपको इन सबको अच्छे से मिला लेना है सबसे पहले। और इसके बाद हमें यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना एलोवेरा जेल डालना है। आप चाहो तो फ्रेश एलोवेरा जेल प्लांट में से निकाल कर वो भी डाल सकते हो या तो रेडीमेड भी ऐड कर सकते हो। और इसके बाद अच्छे से सारी चीज़ों को फिर से मिला लेना है और हमारा जो यहाँ पर हेयर मास्क है हेयर स्पा के लिए वो रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं।
तो सबसे पहले गाइस बालों को अच्छी तरीके से आपको सुलझा लेना है, क्योंकि जब हम ये हेयर मास्क लगाएंगे तो बाल अगर हमारे अच्छे से सुलझे होंगे तो हेयर मास्क अच्छी तरीके से हम अप्लाई कर सकेंगे। और ऑलवेज आप ध्यान रखिए कि बालों को सुलझाने के लिए आप जो बड़े दांतों वाला मोटे दांतों वाला कॉम्ब आता है उसकी मदद से ही बालों को सुलझाइए, इससे हमारे बाल काफ़ी कम झड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने बालों को सुलझा लिया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बालों के छोटे छोटे सेक्शन करने हैं। जब पार्लर में जाके कोई भी हम ट्रीटमेंट करवाते हैं, हेयर स्पा करवाते हैं, तो यही मेथड फॉलो करते हैं। तो आपको छोटे छोटे बालों के सेक्शन करने के बाद जो हमारी स्केल्प है वहाँ से लेकर आपको हेयर की जो हमारी टिप है वहाँ तक आपको हेयर मास्क अप्लाई करना है। और जब आप हेयर मास्क अप्लाई करो तब आपको मसाज करनी है, जिससे ये जो हेयर मास्क है हमारे पूरे बालों के ऊपर एक कवच की तरह काम करेगा। जो ड्राई बाल, सूखे बाल, डैमेज बाल है उसको अच्छी तरीके से रिपेयर करने का काम करेगा। और जो बहुत ज़्यादा रूखे बाल हो गए हैं झाड़ू जैसे, उसके ऊपर शाइन लाने का काम करेगा। और जब हम हेयर मास्क लगाते हैं तो आपको अच्छी तरीके से मास्क लगाना है, मसाज करनी है, जिससे कर्ली बाल होंगे, वेवी बाल होंगे वो भी सीधे हो जाएंगे। और ये मास्क आपके बालों को सीधा करने में काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा। तो दिवाली, करवा चौथ के टाइम अगर आपको पार्लर नहीं जाना है तो आप घर पर ये हेयर स्पा कर सकते हो, जिससे बाल शाइनी सिल्की भी हो ही जाएंगे, बट ऊपर से आपकी बालों की जो झड़ने की प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगी और बाल सीधे भी हो जाएंगे। तो आपको पूरे बालों के ऊपर यही मेथड फॉलो करनी है। और ये जो हेयर स्पा है गाइस, टीन एज से लेकर आपकी एज कोई भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, कोई भी केमिकल नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने पूरे बालों के ऊपर लगा लिया है। अब आपको 2 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। जब 2 घंटे के बाद सूख जाए तब आपको धो लेना है। आप चाहो तो गाइस यहाँ पर गर्म पानी की मदद से स्टीम भी ले सकते हो, जैसे पार्लर में कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं उसी तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर मैंने उसको स्किप कर दिया है। तो गाइस यहाँ पर मैंने जो हेयर मास्क लगाया उसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2 घंटे तक हमें रखना है। तब तक मैं आपको यहाँ पर जो स्टे क्रिकी की बेडेस काजल है, 6 अलग अलग डिफरेंट कलर की, ब्लू, ग्रीन, ब्रोंज, पर्ल, व्हाइट, ब्लैक, ये सारे कलर्स के आपको डेमो भी दिखा देती हूँ। साथ ही साथ इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, ये कितने देर तक इसका वाटर रेजिस्टेंट टेस्ट भी आपको बता देती हूँ। छोटा सा रिव्यू मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, इनकेस की अगर आपको परचेज करना है तो आप बाय कर सकते हो, क्योंकि अभी इसके ऊपर सेल चल रही है तो आपको काफी कम प्राइस में मिल जाएगी। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस ये है स्टे क्रिटी की काजल की पैकेजिंग। आपको इस तरीके से सिंगल काजल रिसीव होगी और सिंगल काजल की प्राइस 175 रुपीज है, बट आज ऑफर चल रही है अच्छी खासी, तो आपको ये कम प्राइस में मिल जाएगी। अभी करवा चौथ दिवाली आने वाली है तो मैंने सोचा कि अगर आपको कम प्राइस में चाहिए तो मैं आपके लिए छोटा सा रिव्यू यहाँ पर कर देती हूँ। तो ये जो स्टे क्विटी की बेडेस काजल है, वाटर रेजिस्टेंट है, स्मच प्रूफ है, डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। अब मैं आपको मेरे मोबाइल में पर्पल की जो एप्लीकेशन है उसमें से बता देती हूँ कि आज कौन से कलर की जो काजल है उसकी प्राइस क्या है। सबसे पहले ब्लैक कलर की जो काजल है उसकी प्राइस जस्ट 106 रुपीज़ है, आई थिंक काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है इसकी। नेक्स्ट यहाँ पर जो ब्लू कलर की काजल है इसकी प्राइस 123 रुपीज़ है। डार्क ग्रीन कलर की जो काजल है उसकी प्राइस भी 123 रुपीज़ है। पर्ली जो व्हाइट कलर की काजल है उसकी प्राइस भी 123 रुपीज़ है। कॉपर कलर की काजल है उसकी प्राइस 149 रुपीज़ है। और यहाँ पर जो ब्रॉन्ज कलर की काजल है उसकी प्राइस भी 149 रुपीज़ है, यानी काफ़ी अफोर्डेबल है। तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। अब मैं आपको सभी के यहाँ पर चॉइस बता देती हूँ। आपको यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी मिल रही है तो आपकी काजल ये लॉन्ग टाइम तक चलेगी। यहाँ पर मैंने आपको 6 काजल की यहाँ पर आपको स्वच्छ बता दिए। अब मैं आपको वाटर टेस्ट करके बताऊँगी कि ये वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास स्प्रे बॉटल है, इसमें मैंने पानी भरा हुआ है। पानी में यहाँ पर जहाँ पर मैंने स्वच्छ किए वहाँ पर मैं स्प्रे करूँगी। उसके बाद मेरे हैंड्स के साथ मैं फिंगर की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से रगड़ रही हूँ, फिर भी ऐसे कि ऐसे ही है, यानी ये वाटर रेजिस्टेंट है। तो डेफिनेटली गाइस 123 रुपीज़ में आपको यहाँ पर डिफरेंट कलर की काजल मिली है, तो गो फॉर इट गाइस, काफ़ी कम प्राइस है इसकी। तो गाइस 2 घंटे के बाद मेरा जो हेयर मास्क था पूरी तरीके से ड्राई हो गया था, सूख गया था, तो मैंने शैम्पू से बालों को धो लिया था। आप शैम्पू कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपको करंटली सूट करता है आप उससे बालों को धो लीजिए। आपको इसे सिर्फ 2 घंटे तक ही रखना है गाइस, इससे हमारे जो बाल होते हैं काफी सिल्की शाइनी स्मूथ हो जाते हैं। और ना सिर्फ आपके बाल सिल्की शाइनी स्मूथ होंगे बट आपके बालों की ग्रोथ भी डबल होगी।
तो मैंने यहाँ पर आपको राइस वाटर बताया कि आप राइस वाटर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। इससे हमारे जो ड्राई बाल होते हैं, डैमेज बाल होते हैं, उसमें एक जान आ जाती है, बाल सिल्की शाइनी चमकदार दिखने लगते हैं। कोरियन लोग, चाइनीज लोग बालों को सिल्की शाइनी करने के लिए, इवन स्किन को टाइट करने के लिए राइस का वाटर यानी चावल का पानी इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा ही होगा कि आजकल मार्केट में आपको चावल की बड़ी बड़ी कंपनियां मिल जाएगी कि स्किन के ऊपर प्रोडक्ट बनाती है। तो गाइस चावल का पानी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, झड़ते बालों को टूटने से बचाता है, जो ड्राई है बेजान बाल है उसमें एक जान डाल देता है। आपको यहाँ पर जो भी हम पार्लर में जाके हेयर स्पा करवाते हैं, महंगे महंगे हेयर स्पा करवाते हैं, उसी तरीके का आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। और ऊपर से इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, तो आपके बाल झड़ने के कोई चांसेस भी नहीं है। तो गाइस मैंने आप लोगों को वैसे तो कई बार कई वीडियो में बता दिया है कि मैं पार्लर में जाके कोई भी फेशियल ट्रीटमेंट, ब्लीच ट्रीटमेंट या तो हेयर की जो स्ट्रेटनिंग की, कैराटिन की, रिबोंडिंग की, ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट मैंने आज तक नहीं करवाई है। मैंने आज तक कलर भी एक बार नहीं करवाया है और मैं कभी भी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार अगर आप कैराटिन, रिबोंडिंग ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट करवा लेते हो ना, तो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे करके आपके जो बाल है बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं और इतने झड़ जाते हैं तो उसको रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं सिर्फ पार्लर में जाके आईब्रो करवाती हूँ सिर्फ, और हेयर कट करवाती हूँ, बस इतना ही करवाती हूँ। बाकी की जो हेयर स्पा की ट्रीटमेंट होती है वो मैं इस तरीके से घर पर ही कर लेती हूँ। और मैं भी आपको रिकमेंड करती हूँ कि अभी भी करवा चौथ में दिवाली में काफ़ी टाइम है, तो आप इसको वीक में या 10 दिन में एक बार कर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप कि आप लोगों को गाइस ये जो स्पा है वो पसंद आया होगा। तो अभी भी करवा चौथ में थोड़ा टाइम है, तो आप इसको एक से दो बार कर लीजिए। मैं आपको डेफिनेटली गारंटी दे रही हूँ कि आपके बाल बहुत ज्यादा स्मूथ भी हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प मिल जाए, और उनको भी अगर पार्लर जाके कोई ट्रीटमेंट ना करवानी हो तो आप घर पर भी ये हेयर स्पा कर सकते हो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसी तरीके की आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी और आपके जो आपका जो कमेंट है उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगी। सो बाय गाइस, लव यू ऑल।